अकारम् ज्ञातं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्त विष्णु बंधु भाइयों और बहनों, ये ठीक कहा, ये योगी का दरबार है। हमने यहाँ से योग की शिक्षा लेके जानी है और योग की शिक्षा वही होती है जो हम अमल में लाए। केवल सुनते इसलिए हैं करने के लिए, तो हम सब योग करें और जैसा भाई ने कहा, अपने तन मन के दुख दूर होते हैं और हमारे भाग्य का उदय होता है। हम इसी प्रसंग में देख रहे थे कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी को भक्त कहते थे, महाराज आप तो ग्रंथ नहीं लिखते, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो कह लगे हमारे ग्रंथ क्या, जितने शास्त्र हैं हमारे तो ग्रंथ हैं, हमने लिखे हुए हैं, समझो उन्हीं में, उनसे अतिरिक्त और क्या, कहाँ से ज्ञान मिलेगा। तो पर हम चूंकि पढ़ते नहीं और यहाँ तक कि हमें अपने ग्रंथों के नाम तक भी नहीं आते, तो इसलिए हमें प्राप्त कुछ नहीं होता। हमें कि अपने उस महान साहित्य में से एक छोटा सी पुस्तक, जिसको लोग गीता कहते हैं और जिसको लिखने वाले कहा ये योग शास्त्र है, उसके ऊपर विचार कर रहे थे कई सप्ताह से। बस हर एक सप्ताह कुछ न कुछ एक एक इसका विचार हम करते हैं। इस पतंजलि अब व्यास मुनि का लिखा हुआ ये जो महाभारत है, उसमें से एक अध्याय है ये छोटा सा, जिसको गीता कहते हैं और हम गीता कहते हैं। व्यास ने कहा योग शास्त्र है, योग शास्त्र श्री कृष्ण संवाद। और इस योग शास्त्र के अंदर जैसे मैंने कहा 18 उपनिषद हैं, एक एक अध्याय को नाम उपनिषद दिया उन्होंने। उपनिषद का मतलब होता है लेसन, पाठ, जो गुरु के पास बैठकर पढ़ा जाता है। तो 18 चैप्टर हैं, 18 उपनिषद हैं और उस सारे का जो एक शास्त्र है, तो शास्त्र का एक ही विषय होता है एक ग्रंथ का, अब है योग। जब मनुष्य जी संसार में आता है तो सब शास्त्रों का एक ही मत है कि मनुष्य को इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, और वो है चतुर्विध फल की प्राप्ति। कि हमने फल प्राप्त करने जीवन में, उसके चार भाग हैं, चतुर्विध फल प्राप्ति जीवन में का लक्षण है। तो चार फल क्या होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और गीता में जब हम पढ़ते हैं तो हम अगर अभ्यास करें तो हमें चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके साधना के करते करते तो धर्म होता है आचरण। हम धर्म को आज धर्म का अर्थ लेते हैं कि मातमतांतरों का धर्म कह देते हैं। धर्म का अर्थ आचरण होता है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, पतंजलि ने भी 10 कहे हैं और वो आप जानते हैं यमली यमादि, वो धर्म है। क्योंकि मनु महाराज ने शास्त्र लिखा है मनुस्मृति, तो धर्म क्या, उसे साफ लिख दिया कि धर्म शास्त्र है, धर्म ये होता है जो हम कह रहे हैं, वही सत्य अहिंसा आदि धर्म है। तो
गीता के अंदर हमें ये सब मिलते हैं कि इन पर कैसे आचरण करना है, परंतु गीता का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान कृष्ण के मुख से जो विचार करवा रहे हैं व्यास मुनि, वो ये करवा रहे हैं कि जो कुछ ये हम लिखा है इसकी प्राप्ति या इसकी शिक्षा गुरु से ही प्राप्त होगी, पढ़ने से नहीं प्राप्त होगी। किताब पढ़ने से अगर कोई विद्वान बन जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर न कॉलेज की जरूरत है, न स्कूल की जरूरत है, न यूनिवर्सिटी की जरूरत है। तो विद्या जो ज्ञान है वो गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें ये सारा साक्षात्कार हो कराएंगे। तो इसलिए पहली चीज जो है इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के साधन की प्राप्ति की वो गुरु है, गुरु मिल जाए तो हमें योग फिर मिल जाता है और योग द्वारा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हमने लिखा था कि देखा कि ये शुरू कैसे होता है, तो गीता के जो 18 शास्त्र उपनिषद हैं तो पहला यह है कि जीवन अगर ये योग करना है तो या जीवन में हमने सब कुछ प्राप्त करना है तो पहला यही है कि जीवन को इस दल दल से निकालना होगा। हम अगर दल दल में फंसे रहे तो फिर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बड़ी मुश्किल निकलना। तो दल दल से निकलना है और वो निकलने वही गीता से शुरू होती है और हमने इसको चला इस दल दल से निकलो और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाओगे, तो योग की एक भूमिका को प्राप्त करोगे जिसको कहते हैं शास्त्रों के अंदर कि उस जगह प्राप्त वैसे बन जाओगे जिसे तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। गीता के अंदर हम धीरे संक्षेप से कह रहे हैं, बतला रहे हैं आज कि वहां बतलाया कि तीन स्टेप्स हैं मोक्ष तक। पहला वो है कि हम तीन चार चैप्टर दो तीन चैप्टर पढ़ते हैं गीता के, तो पहला जो हमें प्राप्ति होती है वो है कि हम जीवन मुक्त हो जाए, क्योंकि तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी ना जो लास्ट हमारे पास है। तो हम जब जीवन मुक्त हो जाएंगे अर्थात जीवन में ऐसे रहेंगे जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, तो ये हमने सारा पढ़ा बात है कि कैसे होता है, कौन से अध्याय के अंदर हम जाकर इस स्थिति तक पहुंचते हैं। दूसरा जो इसके आगे हमने देखा था, जब चलते हैं तो हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं जिस अवस्था को योग दर्शन प्रकृति लाएगा कि हम उस मुक्ति तक पहुंचते हैं जिस मुक्ति में अवतार होते हैं। अवतार की अवस्था आती है योगी की, पहली अवस्था में जन्म लेता है योगी घर में, दूसरी अवस्था के अंदर वो अपनी इच्छा से आता है और नहीं आना चाहे नहीं आता, उसको योग में कहा प्रकृति लय की अवस्था कि प्रकृति इसका बंधन से छूट जाता है, प्रकृति ये खींच कर नहीं ला सकती वह है। और तीसरी अवस्था योगी मोक्ष की वो होती है तीसरी मोक्ष, जब वह कि ब्रह्मलीन हो जाता है। तो ब्रह्मलीन की अवस्था में वो जब शरीर छोड़ता है तो पानी पानी में लिए समा जाता है, आत्मा आत्मा में समा जाता है। वहां पर आकर देखो गीता के अंदर स्टेप बाय स्टेप हमें सारा इतने 15 हफ्तों में ये सारा गीता के अंदर देखा कि सब कुछ है और इस तरह वो व्यास मुनि जी समझा रहे हैं कि ये जीवन का जो मोक्ष लक्ष्य है इस मार्ग पर चले तो चलते जाएंगे। अब आज का
जो ऋषि है वह सूर्य अध्याय है कि ये लंबा रास्ता है, लंबा मार्ग है, लंबा जीवन है। जब हम किसी सफर पर चलते हैं तो हमारे साथ कुछ पूंजी भी होनी चाहिए, खर्च भी होना चाहिए। व्यापार करते हैं तो एक वो होता है व्यापारी जो पूंजी लेकर करता है, और एक होता है जो कर्ज लेकर करता है, बैंकों से ले लिया, दूसरों से लिया, कर्ज लिया, उनका व्यापार नहीं चलेगा। और जो अपनी पूंजी से करता है वो चल पड़ेगा। तो ये रास्ता भी तो उसमें है, हमारे पास पूंजी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा। तो पहले पूंजी इकट्ठे साथ साथ करते चलो जाओ, साथ बढ़ाते चले जाओ, और उसे जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है प्राप्त कर लोगे। तो उस पूंजी को यहाँ गीता के अंदर कहा संपत्ति, संपत्ति दो प्रकार की कहते संपत्ति होती है। एक है क्रेडिट और एक है डेबिट। एक होता है अपनी पूंजी और एक उधार ली पूंजी। गीता कहती है जो उधार ली पूंजी या दूसरों की पूंजी पर चलोगे तो फेल हो जाओगे, अपनी पूंजी पर चलोगे तो सफल हो जाओगे। तो उसके नाम ने दिया जो अपनी पूंजी है उसको दैवी संपत्ति कहते हैं, दैवी संपत्ति। और जो दूसरों की पूंजी है, जो गिराने वाली पूंजी है, वह है आसुरी संपत्ति। अब आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति ये बड़ा भेद बतलाया कि इसका फल जो बतलाया बड़ा खतरनाक है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधनाय आसुरी मता। इसका अर्थ है दैवी संपत्ति मोक्षाय, दैवी संपत्ति होगी तो मुक्ति प्राप्त कर लोगे, और आसुरी संपत्ति पर चलोगे तो बंद है, कर लेके चलोगे कोर्ट में जाकर फंस जाओगे, मुकदमे चलेंगे, व्यापार फेल हो जाएगा। और अपनी संपत्ति होगी तो सेठ बन जाओगे। ये अध्यात्म और लौकिक बात वही वही तपाती है। अब दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या होती है, जिसको लाना है और जिसे बचना है। पिछले अध्याय में श्लोक आया था और उसी कॉन्टिन्यूएशन है आगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर का बेस है, और उस तरह 18 उपनिषद खत्म होते हैं। अब आज 16 उपनिषद है, और उस 15 उपनिषद था ऋतंतो योगिनश्च एनम पश्यन्ति आत्मे वस्तुतम। उस अवस्था को अपने अंदर ही यत्न करते हुए योगी देखते हैं, और ऋतंतो अपि अकृतात्मा, और जो यत्न नहीं करते ऐसे योगी नैनम पश्यन्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। एक वो कृतात्मा का, दूसरे अकृत आत्मा का। कृत आत्मा जो है वो प्राप्त कर लेंगे, अकृत आत्मा नहीं प्राप्त कर लेंगे। भाव ये कि व्यापारी तो दोनों ही है, एक का व्यापार चल पड़ता है दूसरे का फिक्र हो जाता है, क्यों जो अपने पैर पर खड़ा है उसे चल पड़ेगा और जो दूसरे के पैर पर खड़ा है गिर जाएगा। तो यह साफ लिख दिया कि एक कृत आत्मा एक अकृत आत्मा। तो जो कृत आत्मा के पास दैवी संपत्ति होती है, अकृत दूसरे पास आसुरी संपत्ति होती है, वो उनके पास अपना आगे बढ़ने वाली कुछ चीज नहीं है। अब आज के लेसन में ये बतलाते हो कि कौन से चीजें हैं जो दैवी संपत्ति है। ये 10-12-15 चीजें हैं, इनको अगर हम धीरे धीरे संग्रह करते चले जाएं तो हम उस अपनी संपत्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे होगा, आदमी व्यापार करता है एक एक कम उसके कैपिटल बढ़ता चला जाता है,
तो इसी तरह ये एकदम नहीं कि हमने योग शुरू किया और एकदम सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर इनको संग्रह करते चले जाएं तो मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो वो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों के यहाँ गीता के 16वें अध्याय में जो बतलाए हैं वो इस प्रकार हैं कि दैवी संपत्ति जो हमें संग्रह करनी है, जो है जिसके आधार पर हम मुक्ति हो सकते हैं, तो वो बहुत से हैं गिने हुए। तो जितनों का समझा समझ पाएंगे समझ लें, बाकी आप गीता में पढ़ लें, मात्र लिखा लिखाया है, परंतु लिखा लिखाया तो है, लिखा लिखाया सबके लिए है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमने 16वां अध्याय पढ़ा, हर एक अध्याय के अंदर हमें से कुछ संदेश मिलता है और उस संदेश पर चलते चलते हम आगे आगे बढ़ रहे हैं और एक क्रम पूर्वक हम देखते हैं कि एक क्रमिक लेसन है। और ये है जो आज का अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। किस दैवी संपत्ति है कि अभयम निर्भयता। हम तो आपको डरते रहते हैं, अभय हम कहते बस जो तो फिर भी वो छोड़ो, अभय हो गया पर भी छोड़ लो, मुश्किलें छोड़ते नहीं। तो ये एक एक चीज जो हमारे जीवन के अंदर प्रभु बतलाते हैं सब वही लिखी हुई है। सत्व अभयम सत्व स्वयं शुद्धि मन की शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति हमारी स्थिरता क्या हो, ज्ञान और योग में ज्ञान के आधार पर रहे, हमारी बेस जो है हमारे फाउंडेशन जो है वो ज्ञान के ऊपर हो। हम अज्ञान की बातें करते हैं, मैंने ये मुंदरियां पहनी हुई है किस लिए पहनी हुई है, मेरी किस्मत बदल जाएगी, कितना अज्ञान है। भगवान का लिखा हुआ लेख कोई मिटा सकता है नहीं, मुंदरियां मिटा देगी, पूजा मिटा देगी, ये पूजाएं और मुंदरियां कुछ नहीं करेंगे, जो भगवान ने लिखा वो फाइनल है। वो एक तो सुप्रीम कोर्ट की होती है, ये सुपर सुप्रीम कोर्ट है, वहां से जो लिखा हुआ आया है वो बुगले बुगले है। अज्ञानी लोग जो है वो ज्ञान की पैरों पर नहीं खड़े होते, वो अज्ञान के जूते पहनकर खड़े होना चाहते हैं। तो ये तीन बातें भी एक लाइन में आ गई, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थि, ज्ञान योग के ऊपर हमारी स्थिरता हो। हम दुख आते हैं तो समझे ये हमें कर्मों का दुख है, भगवान ने हमें देना ही था और इसको कोई बदल नहीं सकता था, क्योंकि हमने जो कर्म किया वो सजा मिली, हमने चोरी की और उसका हमें ये फल मिल रहा है। दानम दमश्चो यज्ञचो स्वाध्याय तब आर्जो, तो कितने इस दूसरी लाइन में कितने गुण बता दिए, दानम मनुष्य दानशील हो, जो कुछ है वो दे आगे। हम दान तो क्या देंगे, दान धन का होता है, बल का होता है, विद्या का होता है, हम दान का भी दान देंगे तो आप पत्थर लगवाएंगे, विद्या का दान देंगे तो फीस लेंगे, और बल का दान देंगे तो तब भी उजरत लेंगे। दान तो करना जानते ही नहीं हम। दमा हमारी इंद्रियों को प्रवाश, दम यज्ञ हम जो कर्म करें यज्ञ रूप करें, निस्वार्थ होकर करें, वो यज्ञ होता है। हम आहुति डालते हैं उसको यज्ञ कहते हैं, तो इधर कहते सारे सुगंध मुझे मिल जाए, वो थोड़ा सा एक चमचा घी डालते हैं और सारे पता नहीं कितने मुंह में जाता है, वो कितने श्वास में जाता है। तो यज्ञ जो कर्म करें वो अपने लिए लेके, गीता में लिखा है मोटा शब्द का है, जो अपने लिए पुकारता है वो पाप कमाता है, अपने लिए खाना तो कहा वो पाप खाना है, ये गीता में साफ लिखा हुआ है। यज्ञ है जो परमार्थ के लिए हो। अब सब ये चीजें एकदम तो मेरे अंदर आती है, लेकिन इस हमारे गीता कहती है कि अगर इन आती रहे तो मोक्ष साफ है। स्वाध्याय और स्वाध्याय कर, स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं कि शास्त्रों का पढ़ना जिसमें ज्ञान दिया, और स्वाध्याय अपना
आत्मा का अध्ययन करना है, स्वामी आपके। और तब अपने आप को वश में रखना, आर्जव जीवन, सरल जीवन होना, जो सिंपल लाइफ जो है वो आर्जव लाइफ है, और जो बनावटी जिंदगी है वो अनार्जव है, वो हमें मोक्ष की तरफ ही ले जाएगी। जो बड़ा लग्जरियस आदमी है, लग्जरी में रहता है, ये भी ले वो तो उसको ध्यान होते रहेगा। जो सिंपल लाइफ है, पचली में सादी जीवन है, जो जरूरत है वो तो निसेसिटीज हैं, अपने आप ही चलती है। तो इस तरह ये इस लाइन में देखो कितने को मिलता है। एक और अगली लाइन है, ये गीता का 16वें अध्याय का पहला श्लोक था। दूसरे श्लोक में और बताते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांति अपैषणम। अब हम जो जानते हैं कि हमारा योग के दुनिया में अहिंसा पहली है, अहिंसा, हम किसी को दुख न दें, सत्य सत्य पर आचरण करें, अक्रोध शांत रहे, क्रोधी स्वभाव न बने, त्याग हम त्याग वृत्ति हो, हमारे पास कुछ है तो हम संकोची ना हो, किसी को आवश्यकता है तो हम उसको दे दें, और शांति मन के अंदर हम कोशिश करें कि शांत रहें। दुनिया के अंदर जैसे जो अशांत मनुष्य है वो तो यहाँ भी अशांत है, तो आगे जाकर तो शांत क्या होना है। मोक्ष तो मोक्ष का मतलब है बिल्कुल ऐसा अवस्था जहाँ कोई दुख है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसके लिए शांति जरूरत है यहाँ भी प्रैक्टिस की। और अपैशनम, अपैशनम मतलब होता है दूसरे के दोषों को ना देखना और ना वर्णन करना, चूल खोलने से कि वो उनको कहते मक्खी की तरह, घोड़ा तो बैठता है शहद लेने के लिए और मक्खी बैठती है गंदगी पर। तो जो पैशन बोलता है कि दूसरे के दोष देखना और वो उस मक्खी की तरह है, फिर दूसरे दोष देखकर तो हमारे अंदर अपने अंदर वो संस्कार आएंगे तो हमें मुक्ति क्या मिलनी है। इसलिए अपैशन को एक बड़ा भारी इसमें स्थान दिया है। इसी ध्रुव की और दूसरी लाइन है, दया भूतेषु, हम सब प्राणी पर दया करें। आज दया का नाम तो रहा ही नहीं ना, हम किसी को समझते नहीं कि हमारे जैसा है। दया होता है, दया वही होते हैं जो अपने जैसा समझे। तो आज के संसार में दया तो खत्म हो चुकी है, कोई भी दूसरे के सुख में सुख की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि दूसरे को मारने के ध्यान देते हैं। यह देखें कि आज का मनुष्य पशु बन चुका है, देखो कितना हत्या ही हत्या है, लेकिन हम कहेंगे पशुओं से भी नीचे ही चला गया है। एक शेर दूसरे शेर को नहीं मारेगा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं मारेगा, लेकिन आज मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। तो मनुष्य पशु से नहीं चला गया ना, पशु जिस पशु में जुग रहे हैं वो भी मनुष्य में नहीं रहे। तो दिया क्या करें, हम दूसरों पर प्राणी की करें, अपने अपनी जाति के ऊपर दिया नहीं कर पा रहे। दया भूतेश अनुलुप्तम, अनुलुप्तम है लोभ ना करना, लोभ तो मनुष्य को गिरा देते हैं ना। आज लोभ के कारण ही तो मुकदमे कर रहे हैं, सीबीआई को क्या जरूरत है इधर घूमने की, अगर लोभ करने वाला ना हो तो। तो अलोल तो लोभ नहीं करना, ना करना। मार्दवम मृदु स्वभाव, कोमल स्वभाव, मीठा बोलना पड़ा। हरि लज्जाशील हो, अचापलम गंभीर हो, चपल ना,
तेजा इसके अंदर शक्ति हो, तेज हो, क्षमा क्षमा करने वाला हो। क्षमा के दो अर्थ होते हैं, एक माफ करना, एक सहनशीलता। और धृति धैर्यमान हो, शौचम शुद्धता। जैसे यमुनी में आते हैं ना, शौचम शौच मन वचन कर्म तीनों को हम देखें शुद्ध रहे। अद्रोह किसी के प्रति हम द्रोह ना करें, धोखा न दें किसी को। नीतिमान नीति को चलने वाला, सामाजिक नीतियां हैं, दूसरी नीतियां हैं। हम तो आज नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं ना। ये हम कहते हैं ना, देखो तो रिवाज हमारे तो बिगड़ चुके हैं, कुछ तो हम नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो ठीक होना चाहिए उसके ऊपर ही चल रहे हैं। तो जो सामाजिक नीति हमारी रिवाज या अच्छे बना बातें बनाई हैं उनको हम तोड़ फोड़ रहे हैं और बुरी तरफ जा रहे हैं। तो नीति मान भय निश्चित होता है। तो ये चूक है भवंति संपदम दैवी, ये दैवी संपत्ति होती है। जो मनुष्य दैवी संपत्ति इन पर अपने गुणों पर लाएगा वो तो जैसे कहा ना, दैवी संपत्ति मोक्ष आए, दैवी संपत्ति मोक्ष की तरह ले जाती है। अब और निबंधाए आश्री मटा, बंधन में डालने जो आश्री, तो आश्री क्या होती है वो भी हम यहाँ पढ़ देते हैं। थोड़ा कम है पर तो ये गुण मोटे मोटे गुण हैं, इनको आप 16वें चैप्टर में देख लेना, नोट कर लेना। हम डेली देखिए ये आता है ये नहीं आने। दम्भो दर्पो अभिमानश्चो क्रोधा पार्श्वमेवचो, उसके भी रिवर्स ये सारे उल्टे हैं। दम्भ धोखाधड़ी, धोखाधड़ी दर्पो अभिमान, दर्प होता है और अभिमान अकड़पन और मानसिक एक तरफ है। क्रोध और पारुष्यम कठोरता, जिसके हम बोले कठोर वचन बोले या हमारा स्वभाव ही कठोरता का है। अज्ञान, हमें ज्ञान की प्राप्ति ना हो, जो काम करें अज्ञान में, जिसमें अज्ञान में हम आकर के ऐसे कर्म करते नहीं करने चाहिए हमें। न शौचम न विचाराचारो, शुद्धता नहीं, सदाचार नहीं, न सत्यम सत्य नहीं, ऐसी चीजें उनमें होती है। असत्य असत्य पर चलते हैं। अप्रतिष्ठम थे जगत आहुरण ईश्वर, उस ईश्वर को नहीं मानते, कहते ये किसने मैं प्रकृति में आया, ईश्वर आई कोई नहीं। ये तो सच्चाई है कि ईश्वर में आया, वो कहते नहीं ईश्वर की जरूरत ही क्या है, फिर खुद ही बन जाते हैं। ईश्वरम आशा पाश सतही बद्धा, सैकड़ों आशाओं के जाल में फंसे हुए रहते हैं। ये उसको आज ये लिया कल ये लो, काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध के वश में होते हैं। इयंते काम भोगार्थम अन्याय असंचय, इयंते कुछ क्या चाहते हैं, काम भोग, काम नए गुणों भोगाए, यही बात उनके आगे छा जाती है। अन्याय ने अन्याय पूर्वक धोखाधड़ी से अर्थसंचार को जमा करते हैं। अब ऐसे ये जो है आश्री संपदे, अब ये अगर जिनके अंदर है वो चाहे कि हम तरक्की करें नहीं कर सकते। ऐसे लोग ऊपर लिखे ना, वो यत्न वो भी करते हैं कि हम कुछ बने, और ये भी यत्न करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, तो वो भी करते हैं ये भी करते हैं, पर वो पार हो जाएंगे और ये गिर जाएंगे। ये नहीं कि ये आश्रय जो हमारी संपत्ति हो और फिर वो होते हुए हम कुछ करें तो नहीं होगा। दसवें पहले बताया दो व्यापारी हैं,
व्यापार वो भी करता है, वो भी करता है, पर जो इसकी पूंजी है वो दूसरा कर्ज ले किया हुआ है, जिनसे कर्ज लिया उसके पीछे आते रहेंगे, और जब आते रहेंगे मांगेगी उसके अदालत में ले जाएंगे तो सारा काम फेल हो जाएगा। जैसे दोनों कर रहे हैं, वो भी दुकान सारा दिन व्यापार में लगा, वो भी सारा दिन व्यापार लगता है, पर एक पास अपनी संपत्ति है, दूसरे पास नाश करने वाली संपत्ति है। तो यहाँ तक ये है, तो इसका उपसंहार कहते हैं आश्री योनिम आपन्ना मूला जन्म जन्म। अब रिजल्ट क्या होते हैं, एक तो मोक्ष के लिए होता है, तो कहते हैं आश्री योनिम आपन्ना, जो आश्री संपत्ति वाले हैं आश्री योनिम आपन्ना, वो आश्री योनि में जाते हैं, जब एक जन्म बार 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 एक बार लाइन चल पड़ी, फिर आगे 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 चलेंगे। माम प्राप्त है वो मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और ततो जानती अधमम गति, अधम से नीचे से नीचे जो तो चलेंगे। अब जो हम कहते हैं कि वो धन आ जाए, वो धन आ गए, अब बात यह है ये एक हमने चक्की चला दी और वो चक्की चलती रहेगी और उसको रोका नहीं जा सकेगा। या शास्त्र विधि उत्सर्जी वर्तन ते काम करता, शास्त्र का पर ध्यान ही देना, एक शास्त्र क्या कहता है, अपने मर्जी करनी है, न अपने गुरुओं की बात मानी, न शास्त्रों की बात मानी, न सिद्धि आपने होती, उनको कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कितना भी यत्न करें मोक्ष नहीं मिलेगा, कुछ नहीं आगे योग मिलेगा, न सुखम न सुख मिलेगा, न प्राम गति न अच्छी गति मिलेगी। तो ये जो सोलह चैप्टर हमने देखा, ये योग कहा कि इतना हमने ऊंचे से ऊंचे दर्जा को जा दिया, जीवन मुक्ति बना दिया गीता ने, अवतार भी बना दिया और ब्रह्म लीन भी कर दिया, लेकिन सब कोशिश जो कोशिश करते करते एक गिर जाएंगे, दूसरे ऊपर उठ जाएंगे, अगर मेरे पास पूंजी ना होगी तो। बोल से सच्चिदानंद महा।